नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जवल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जवल में। दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत तेजी से बना रहा हूं और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। बताया जा रहा है भैया कि हमें अपने फोन को कल बंद करना पड़ेगा, मतलब 18 दिसंबर को बंद करना पड़ेगा। कितने से कितने बजे तक? 10 से 2 बजे तक। तो जानने के लिए बनी रहेगा आखिर में क्यों और किस लिए, जानने के लिए बनी रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं रिलायंस जियो की, एयरटेल की और वी की, तो आपको पता है कि इन ऑपरेटर्स ने अपने प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इन ऑपरेटर्स ने अपने प्लान के प्राइसेस को इंक्रीज करके कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मुश्किल में हमें डाल दिया है और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है अब अपने लोगों से टच में रहना, मतलब अपने लोगों से स्मार्टफोन के थ्रू जुड़ना। क्योंकि अब स्मार्टफोन में अगर एक प्लान रिचार्ज नहीं करते हो तो स्मार्टफोन को आप बिल्कुल भी, आप कह सकते हो, मज़े में नहीं ले सकते, मतलब स्मार्टफोन का मज़ा आप नहीं ले सकते जब तक आप इसमें रिचार्ज नहीं करते हो। और हर एक बंदा यार आप कह सकते हो हर महीने 400 रुपये का रिचार्ज नहीं करा सकता, 500 रुपए का रिचार्ज नहीं करा सकता। प्लान के प्राइसेस सच में बहुत बढ़ गए। अगर किसी से भी आप बात करते हो जियो की, एयरटेल की और वी की, तो सब यही कहते हैं यार कि इन ऑपरेटर्स ने तो अपना अपना लगा रखा है, नॉर्मल जनता के बारे में ये सोच ही नहीं रहे, बस प्लान को हाइक करते चले जा रहे हैं। तो अगेंस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हम क्या कर सकते हैं, वो दोस्तों आज एक व्हाट्सएप मैसेज हमें बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा है और ये मैसेज कहां से आया है इसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब ये कहां से वायरल होना शुरू हुआ। बट दोस्तों इस मैसेज में ये लिखा है कि कल 18 दिसंबर को हमें सुबह 10 से 2 बजे तक, मतलब दोपहर 2 बजे तक अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है, मतलब 4 घंटों तक हमने फोन को अपने नहीं यूज करना है। ऐसे में दोस्तों आप ये कह सकते हो कि एक हड़ताल होगी एक नॉर्मल जनता की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जिससे क्या है कि वो ऑपरेटर्स देखेंगे और हो सकता है कि उनके ऊपर इस बात का कोई इंपैक्ट पड़े, हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो प्लान के प्राइजेस हैं वो हो जाएं मतलब सस्ते। तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप मैसेज आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि अगर हम मतलब चाहें तो प्लान के प्राइजेस कम करा सकते हैं और इसमें हम और आप साथ में मतलब मिल सकते हैं और अपने फोन को 4 घंटों के लिए बंद कर सकते हैं सुबह 10 से 2 बजे तक। देखो यार मेरा मानना यह है कि ये करना एक कर सकते हो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसे में दोस्तों अगर आप ये चीज़ करते हो तो पता नहीं यार, देखो आपको तो हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना करनी हो, आप ये सोचो कि यार हमें कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं करनी है, चलो हम बंद कर देते हैं फोन को और हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। बट अगर आपको बाई चांस कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है इस वक्त के दौरान, मतलब 10 से 2 बजे तक अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है आपको, जो कि आपको पिक करना बहुत जरूरी है, ऐसे में अगर आप फोन को स्विच ऑफ करते हो तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स के जो मतलब कह सकते हो उतना नुकसान नहीं होगा जितना आपका खुद का नुकसान हो जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को क्या फर्क पड़ेगा फोन स्विच ऑफ करने से, मतलब मुझे नहीं लगता। अगर आप इनकी सर्विसेज को यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप जितना पैसा पेड कर रहे हो उतनी सर्विसेज को यूज भी कर रहे हो। बट अगर आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके बैठ जाते हो तो इन ऑपरेटर्स के ऊपर इस चीज़ का कैसे प्रभाव पड़ेगा आई डोंट नो, और हो सकता है कि उल्टा आप ही दोस्तों यहाँ पर ये नुकसान आप कहीं हो सकता है, मतलब आप इससे परेशान हो सकते हो। तो देखो यार मुझे तो नहीं पता, आप कमेंट करके बताओ कि ये जो मैसेज वायरल हो रहा है क्या ये जो मैसेज बता रहा है कि 2 घंटे मतलब हम सुबह 10 से 2 बजे तक अपने फ़ोन को बंद कर दें और इस आंदोलन का पालन करें, तो ये ऐसा कुछ हमें मतलब आप कह सकते हो आंदोलन नहीं करना चाहिए, वो भी फ़ोन को स्विच ऑफ करके, मतलब हम 4 घंटे क्या ही आंदोलन करेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप अपने ओपिनियन में कमेंट करिए। बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं रोजाना से वीडियो लेकर आता हूं। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।